बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, हो सकता है आपने इससे पहले ना खाई हो और हो सकता है कुछ लोगों ने खाई भी हो। तो आज मैं आप बना रही हूँ मटर की फलियाँ और कीमा। और ये मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए इस तरह होती हैं, बाजार से मिलती हैं इस तरह। ये लोग इसको उबाल के और फिर थोड़ा सा बटर डाल के उसको फ्राई कर लेते हैं और फिर स्टेक के साथ या किसी चीज़ के साथ भी ये लोग खाते हैं ना। तो मैं आपको बताती हूँ इसको मैंने कैसे काटा है। आपको मैं बता दूँ, 150 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है और ये मैंने ये थी 150 ग्राम का पैकेट था, लेकिन वो साफ करके मेरा 100 ग्राम रह गई है, तो इसलिए फिर मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा कीमा लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इसको मैंने कैसे साफ किया है ना। ये देखिए मैंने इसको कैंची से इसके ये ऐसे काट ली है और ये भी थोड़ा सा इसको ऐसे काट के, तो फिर मैंने इसके कैंची से काटा क्योंकि छुरी से ज़रा वो थे ना बहुत नरम नरम, इसके ऊपर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी वो मटर के दाने होते हैं और ये नरम नरम होते हैं ना, जब तो ये उतार लेते हैं इस तरह ये बाजार मिल जाते हैं आसानी से। तो ये कीमे के साथ बहुत मज़े, कई लोग इसको आलू के साथ बनाते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी जो है फैमिलियाँ, तो ये बहुत मज़े के पकते हैं। मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ। ये देखें ये हो चुकी है। अब ये मैं आपको पहले कीमा बना के आपको दिखाती हूँ और मैं जो जो चीज़ डलती जाएगी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। ये आपको मैंने बताया कि जब मैंने कीमा पकाना होता है तो मैं इसको लहसुन और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके और बीच में इसमें इसको फिर गला लेती हूँ, जल्दी से गल जाता है। और मैंने इसमें दरमियाने साइज का प्याज लिया था और 4 कलियाँ मैंने, वो इतनी बड़ी नहीं थी छोटी थी, वो लहसुन की ली थी, उनको फ्राई करके इसको मैं गला चुकी हूँ ताकि टाइम बचे। और अब मैं इसमें ये कीमा डाल के इसको, मैं कीमे को नहीं गलाना इसको भून, बस ऐसे ही जब मैं टमाटर डालूंगी तो थोड़ा सा ऊपर मैं वो ढक्कन रख दूँ कुछ देर के लिए कि टमाटर नरम हो जाए, क्योंकि कीमा तो वो बेचारा गला ही होता है उसको क्या, और हमने कुछ पकाना है मशीन में बेचारे का शुरुआत। चले अब ये थोड़ा सा हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल डाला था और अब मैं इसमें नमक मिर्चें और ये आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आप डालना चाहती हैं उतनी डाल लें। ये मैंने 1/2 टीस्पून डाली क्योंकि मैंने अभी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं वो बहुत कड़वी हैं, तो इसलिए मैंने इसको पूरा ही रखा है इसका हिसाब किताब। ये मैंने 1/4 कप मैंने हल्दी डाल दी है और 1/2 टीस्पून मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून से नमक लेवल पे ले लिया। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल के, ये मैंने दरमियाने साइज बड़ा ही था टमाटर क्योंकि मैंने ये फ्रीज किया था, मैंने इसको छोटे पीस कर लिए और इसका छिलका भी उतर गया है। और अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे रख देती हूँ दम पे और फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या मैंने कर डालने से। देखिए कीमे का वो मैंने भून ली है, कीमा भून चुका है, उसमें ऑयल भी छोड़ दिया और अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी, ये बहुत कड़वी है इसलिए मैंने इसी सुरख मिर्ची ना थोड़ी कम ही डाली थी। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें कलौंजी भी डाल दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि इसके बगैर मेरी तो हंडी ना हल्का फल होती है। अच्छा ये 1-2 मिनट मैं भून के इसको सबसे डालती हूँ। ये अब भून चुके और अब मैं इसमें ये फल जो मटर की फलियाँ ना वो डाल देती हूँ और अब मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह जी ये देखा मैंने डाल दी। और मैं इसमें 1/4 कप जो है ना वो पानी डाल दूँगी और हल्की आँच पे इसको जब ये तैयार होती है फिर मैं दिखाती हूँ मैंने और इसमें क्या डालना है। ठीक लीजिए ये देखें 10 से 15 मिनट के दरमियान ये गल भी गई है, इतनी ये हेल्दी है ना बहुत। और ये अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के और इसको बस मैं रख देती हूँ एक दम पे और फिर मैं 1-2 मिनट बाद में उतार के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है लीजिए कीमा और जो है मटर की फलियाँ वो तैयार है। अब यकीन के इतनी जल्दी ये गल जाती हैं, बहुत 10 से 15 मिनट के दरमियान ये गल चुकी थी और अब फिर मैंने इसको भून के उतार लिया है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के साथ बना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा इसके बीच में और थोड़ा सा पानी डाल के उसको, कोई बाद लोग थोड़ा सा पसंद करते हैं ग्रेवी के साथ ना, तो अब जब आप बनाएंगे तो यकीन आपको पसंद आएगी। ये आपको मेरा ख्याल बिल्कुल कहीं भी मैंने नहीं देखी कि ये लोग इस तरह पकाते, पता नहीं इन मुल्कों में पकाते होंगे लेकिन हमारे यहाँ तो मटर पक जाते हैं तो वही आते हैं, फलियाँ तो कभी सोचा ही नहीं। तो ये बहुत हेल्दी हैं, एक दो आप बना के खाएं आपको बहुत पसंद आएंगी, एक ज़रा हटके इसका जायका है। तो ठीक है जब आप बनाएं तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगे। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।